सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। एक नया न्यूज़ आया है एनवीडिया की तरफ से। कंपनी ने नए अपने एमएक्स सीरीज एंट्री लेवल डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड को लॉन्च किया है लैपटॉप के लिए फरवरी 20 को। ये ग्राफिक्स कार्ड है MX 350 एंड MX 330। वैसे आपको याद होगा सेम टाइम पे एनवीडिया ने MX 250 एंड 230 को भी लॉन्च किया था, जो कि काफ़ी पॉपुलर नहीं हुआ था लाइक MX 150, क्योंकि इन दोनों का परफॉर्मेंस में कुछ खास फर्क नहीं देखा गया बिटवीन MX 150 एंड MX 250। बट स्टिल एनवीडिया ने कुछ नए मॉडिफिकेशन के साथ MX 350 एंड MX 330 को लॉन्च किया है। आज हम इन दोनों ग्राफिक्स कार्ड के बारे में ही बात करेंगे और ये जानेंगे कि एनवीडिया ने जो खर्च किया है इन जीपीयू को लॉन्च करने पे और बनाने में, क्या आपको भी नए जीपीयू पर खर्च करके इसको कंसिडर करना चाहिए इन 2020 एंड स्पेशली जब हमारे पास ट्यूरिंग बेस्ड जीपीयूज हैं। और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब ये ग्राफिक्स कार्ड आपको नए बजट गेमिंग लैपटॉप्स में जरूर देखने को मिलेगा, मे बी बिटवीन 50,000 and 60,000 वाले बजट लैपटॉप्स में। और मेरे हिसाब से ये जो बजट है ये मैक्सिमम लोगों का बजट होता है फॉर गुड गेमिंग लैपटॉप्स इन इंडिया। एंड ऑल्सो ये नया जीपीयू कितना पावरफुल है कंपेयर टू अदर एंट्री लेवल ग्राफिक्स कार्ड, तो आज हम इन सब बातों पर ही बात करेंगे आगे वीडियो में। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं एंड आपको इंटरेस्ट है GPUs, बेंचमार्किंग एंड गेमिंग में, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एनवीडिया में ये नया ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च किया है फरवरी 20 को एंड इसका पूरा स्पेक एनवीडिया के साइट पर मौजूद है, जिसमें एक बात बहुत ही दुखदाई है कि ये GPU आज भी पास्कल आर्किटेक्चर पर ही बना है, नॉट ऑन ट्यूरिंग। वैसे ट्यूरिंग को लॉन्च हुए करीब 1.5 साल हो गया है बट फिर भी ये पास्कल पर ही बेस्ड है। बट एक स्पेशल न्यूज़ आया है कुछ इंटरनेट खबरी से कि एनवीडिया इस साल के एंड तक या फिर नेक्स्ट ईयर तक शायद ट्यूरिंग बेस्ड एमएक्स सीरीज जीपीयू भी लॉन्च कर सकता है, एंड वो भी इंटेल के टाइगर लेक प्रोसेसर के इंटरनल आईजीपीयू ZDG1 के कंपटीशन में। ऐसा उम्मीद है कि ये नया जीपीयू TU117 के बेस पर बिल्ड होगा, जो कि 1650 में मौजूद है, एंड ऑल्सो 64-bit GDDR6 VRAM के साथ 25W TDP एंड PCIe Gen 4 को भी सपोर्ट करेगा। सो एज पर हिस्ट्री PCIe 4 सपोर्ट करने वाला ये पहला ट्यूरिंग बेस्ड जीपीयू होने वाला है। ये भी हो सकता है कि NVIDIA MX350 को ही सुपर नाम से निकाले, MX350 सुपर विथ ट्यूरिंग आर्किटेक्चर एंड बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस विथ अप्रॉक्स सेम प्राइस। सो बहुत सारी उम्मीदें हैं इस नए जीपीयू के आफ्टर रिलीज, देखते हैं कि ये कितना अच्छा कर पाता है नए कम्पिटिटिव गेमिंग वर्ल्ड में। तो आगे हम बात करते हैं MX350 के कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में। MX350 will come with 640 CUDA cores, 1354 MHz base clock speed and boost up to 1468 and built on GP107 chip। ये जो configuration है ये same है आपका GTX 1050 के जैसा, but performance उतना अच्छा नहीं है जितना कि GTX 1050 का है। वैसे हम आगे देखेंगे वीडियो में कि इसका performance कितना अच्छा है। And as per official NVIDIA site, MX350 अप्रॉक्सीमेटली 2.5 गुना ज़्यादा पावरफुल है आज के सबसे बेस्ट एंड पावरफुल इंटीग्रेटेड जीपीयू का, जो कि है इंटेल्स जेन 11 आयरिश प्लस आईजीपीयू। ये इंटीग्रेटेड जीपीयू आपको मिलता है इंटेल के i7 10th जनरेशन 1065 G7 के प्रोसेसर में। एट द सेम टाइम MX330 विल हैव अ 384 CUDA कोर्स, सेम लाइक MX250 एंड MX150। क्लॉक स्पीड में थोड़ा इजाफा हुआ है 12 MHz का ऑन MX330 कंपेयर टू 250 एंड 150। इस जीपीयू में ध्यान देने वाली बात और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस जीपीयूज के दो वर्जन्स अवेलेबल होंगे, सेम लाइक ओल्ड MX सीरीज। वन विथ 12W जो कि MX150 एंड 250 में था 10W का, एंड अदर विथ 25W फुल पावर्ड वर्जन। ऑफ कोर्स जो 12W का है उसका क्लॉक रेट भी कम होगा, लाइक 12W विथ 746 बूस्ट अप टू 936 MHz एंड फुल पावर 25W वर्जन जो है वो है 1531 एंड बूस्ट अप टू 1594 MHz। एज पर NVIDIA अगेन MX330 जो है वो 2 गुना ज़्यादा पावरफुल होगा सेम इंटीग्रेटेड आयरिश जीपीयू से। तो ये है फुल स्पेसिफिकेशन आपको MX350 एंड MX330 का। बहुत कुछ टेक्निकल है इसमें, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, तो मैं आपको परफॉर्मेंस का एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि इन दोनों का परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस होगा कंपेयर टू अदर ग्राफिक्स कार्ड जो कि ऑलरेडी मार्केट में है और जिनका आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। बट फिर भी अगर आपको स्पेसिफिकेशन पढ़ना हो तो आप ये वीडियो स्टॉप करके आगे पढ़ सकते हो।
सो ये जो स्पेसिफिकेशंस आप देख रहे हो, ये मैंने रेफरेंस लिया है नोटबुक चेक वेबसाइट से, और ये है 3D Mark Time Spy ग्राफिक्स का कंपैरिजन ग्राफ एट 2K रिजोल्यूशन। इस ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखोगे तो MX350 को 18% ज़्यादा स्कोर मिला है MX250 25W वर्जन से, एंड 19% मोर पावरफुल देन GT1030 डेस्कटॉप वर्जन एंड RX Vega 11 दोनों से। ऑन द अदर साइड GTX 1050 जो है लैपटॉप वर्जन, वो MX350 से 19% ज़्यादा पावरफुल है। मतलब MX350 थोड़ा वीक पड़ता है डेस्कटॉप लैपटॉप वर्जन का GTX 1050 का, एंड AMD Radeon Pro 560X जो है वो 20% ज़्यादा स्कोर करता है MX350 से। ये सारे बेंचमार्क पॉइंट्स जो है वो डिफरेंट 3D Mark APIs के हैं। वैसे गेमिंग बेंचमार्क अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, बट अगर हम फिर भी गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें बेस्ड ऑन द स्कोर, तो शायद हाई एंड गेम्स ऑफ 2019 लाइक मेट्रो एक्सोडस, द डिविजन 2 और रेज 2 सारे लोएस्ट सेटिंग पर चल जाएंगे मे बी, और मे बी प्लेबल FPS भी मिल जाए आपको, एंड गेम्स लाइक फीफा और ये स्पोर्ट्स के सारे गेम्स आप हाई सेटिंग्स में खेल पाओगे विद गुड FPS इवन ऑन 1080p रिजोल्यूशन। वैसे ये सब थोड़ा प्रोसेसर एंड मेमोरी पर भी डिपेंड होता है, बट ऐसा नहीं होगा कि आपको अगर i3 U सीरीज पर 30 FPS मिल रहा है और आपने प्रोसेसर अपग्रेड करके i7 10th जनरेशन लगा दिया तो आपको अचानक से 60 FPS मिलने लगा। बहुत ज़्यादा अगर फ़र्क पड़ा तो शायद आपको 10 या 15 FPS का फ़र्क पड़ सकता है। वैसे भी जब MX350 एंड MX330 का बेंचमार्क रिलीज होगा तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा अबाउट परफॉर्मेंस एंड मेनी अदर स्टफ्स एज वेल। एंड में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये दोनों ग्राफिक्स कार्ड से बहुत एक्सपेक्टेशन ना रखें। वैसे अभी ये बोलना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ओरिजिनल बेंचमार्क रिजल्ट आने में अभी टाइम है। हाँ, बट ये ज़रूर फिक्स है कि MX350 थोड़ा पावरफुल है देन MX250 एंड MX150। बट इस GPU को आप एक स्पेशल गेमिंग GPU नहीं बोल सकते। हाँ, अगर नोटबुक चेक के न्यूज़ के हिसाब से अगर NVIDIA ट्यूरिंग बेस्ड MX350 सक्सेसर निकालता है तो वो GPU में भी थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा देन दिस MX350 से। यही उम्मीद है, मेरी भी यही उम्मीद है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस वीडियो को एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।